लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज के चुनाव की 25 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। सातवें चरण में सात राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब ज्यादा वक्त रह नहीं गया, आज के मतदान का वक्त पूरा होने वाला है। आज की वोटिंग में पीएम मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। जिन सीट्स पर आज मतदान हो रहा है उसमें पंजाब और यूपी की 13-13 सीट्स हैं, पश्चिम बंगाल की 9 सीट, बिहार की 8 सीट, ओडिशा की 6 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 सीट पर मतदान हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी वोटिंग हो रही है। यूपी में 6 चरण के बाद बाकी की जो 13 सीट्स बच गई हैं सातवें चरण में, आज उन पर वोटिंग हो रही है। बहुत ही अहम ये सीट्स हैं। कौन कौन सी है यूपी में? वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, तीसरी बार यहां से कैंडिडेट है। गोरखपुर, सीएम योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, यहां से रवि किशन कैंडिडेट हैं। वहीं गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर सीट, ये वो सीट है जहां सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। बहुत कम वक्त रह गया है मतदान का। अगर अब भी आप घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, अब भी आपने मतदान नहीं किया है, आपके इलाके में वोटिंग हो रही है, तो आप बहुत कम वक्त रह गया है, पहुंच सकते हैं तो मतदान में हिस्सा ले लीजिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 12 तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली की ये तस्वीर, घोसी, महाराजगंज, सोनभद्र, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान इस वक्त आखिरी चरण में है। आखिरी चरण का भी मतदान का अब ये आखिरी चरण है। दोपहर 3 बजे तक की अगर बात कर ली जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 46.83% मतदान हुआ है। वहीं महाराजगंज में 51.31% वोटिंग 3 बजे तक, गाजीपुर में 46.05% मतदान, मिर्जापुर की बात कर ली जाए 48.81% वोटिंग यहां पर हुई है, चंदौली में 51.27% मतदान 3 बजे तक हुआ, देवरिया में 47% के आसपास मतदान हुआ, रॉबर्ट्सगंज में 47.17% वोटिंग, घोसी में 44.75% मतदान, कुशीनगर में 48.33% वोटिंग हुई है। वहीं वाराणसी की बात कर ली जाए जहां के लिए प्रधानमंत्री ने अपील की, जहां पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता पहुंचे, लोगों से अपील की उन्होंने कि आप घर से बाहर निकलिए और मतदान जरूर कीजिएगा, वहां पर 48.38% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। बलिया में 43.54% मतदान, तो सलेमपुर में 43.48% वोटिंग हुई, बांसगांव में 43.71% मतदान, गोरखपुर 44.69% मतदान। तो ये दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजने वाले हैं और बहुत ज़्यादा वक्त अब रह नहीं गया, 1 घंटा आखिर का रह गया है लगभग, जब आप मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव आखिरी चरण में आज आखिरी दिन है मतदान का। आप अपने अपने इलाके में जहां पर वोटिंग हो रही है मतदान में ज़रूर हिस्सा लीजिए। तो कहां कितना मतदान हुआ है दोपहर 3 बजे तक, वो आंकड़ा इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए, जिन 13 सीट्स पर वोटिंग आज हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीट है, पूर्वांचल की ये सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर है, और इसी के साथ गाजीपुर भी वो जगह है जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि लोकसभा चुनाव में सातवें चरण की वोटिंग हो रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन की दिल्ली में आज एक बैठक हुई है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव मौजूद रहे। उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां कितना मतदान हुआ है। गोरखपुर की बात कर ले, 44.69% वोटिंग अब तक गोरखपुर में हुई है, 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। वहीं कुशीनगर की बात की जाए, यहाँ 48.33% मतदान हुआ है। जो सातवां चरण है यूपी में, एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी तरफ सीएम योगी, उनके साथ का सवाल है, तो दूसरी तरफ वो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं जिनके अपने अपने राजनीतिक आधार हैं, एनडीए का हिस्सा हो या फिर INDIA के हिस्सा हो, छोटी छोटी जो पार्टियाँ हैं उनके भी आज उनकी भी परीक्षा होनी है। घोसी की बात कर ले, 44.75% वोटिंग 3 बजे तक घोसी में, वहीं सलेमपुर में 43.48% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है। बलिया की बात करें, 43.54% वोटिंग हुई है, तो वहीं
गाजीपुर में 46.05% मतदान। गाजीपुर पर सबकी निगाह है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, उन्होंने एनडीए कैंडिडेट के लिए प्रचार किया था, बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। तो वहीं तो लोकसभा चुनाव में सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत गठबंधन के कई बड़े नेता पहुंचे थे। अब 4 जून को अगली बैठक होगी रिजल्ट आने के बाद। तो आज की मीटिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। INDIA गठबंधन के ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं। राजनीति में जो सीटों का नंबर गेम चलता है, जनता के सामने जो दावे परोसे जाते हैं, ज्यादातर परिणाम उसके विपरीत होता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने विपक्ष के सामने जो आंकड़े दिए, विपक्ष ने जिन आंकड़ों को जोड़ घटाकर जनता के सामने रखा, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और ऐसे में सिर्फ कुछ पल के इंतजार के बाद ये तय हो जाएगा, करीब करीब तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या सच में 4 जून को फिर एक बार मोदी की ही सरकार बनने वाली है? अब लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार NDA 400 पार करने वाला है। क्या सच में अब की बार मोदी सरकार 400 पार करने वाली? आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या सच में राहुल 40 और अखिलेश यादव 4 सीट पर सिमटने वाले? 4 तारीख का परिणाम कहता हूं राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। जिस चुनाव में जोड़ जोड़ कर इंडिया गठबंधन 26 दलों को एक मंच पर लाया, जिस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 38 से 39 दलों का सबसे बड़ा मोर्चा तैयार किया, उस चुनाव में 400 पार या फिर 400 पर हार सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला नंबर है। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। वो जानते हैं कि इस बार 140 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा 400 पार। जो 553 में 543 में अगर 400 पास है तो केवल 143 सीटें बनती हैं। चुनाव परिणाम में 60 घंटे बचे हैं, उससे पहले चुनाव प्रचार के परिणाम को अगर समझें तो पता चलेगा 24 में कौन कितना वीक है, किसकी कितनी स्पीड है और क्या इसी रिपोर्ट में 400 पार या 400 हार का सीक्रेट है। मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा 206 रैलियां की, तो मोदी के मुकाबले राहुल गांधी सिर्फ 107 रैली ही कर पाए। योगी ने ताबड़तोड़ 204 रैलियां की, उनके मुकाबले अखिलेश यादव 55 रैलियों में ही पानी मांगने लगे। ये प्रचार का परिणाम है और इसीलिए बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। योगी 400 सीट जोड़ चुके हैं तो अमित शाह इंडिया गठबंधन को बस थोड़ी थोड़ी सीटें दे चुके हैं। बीजेपी मोदी को 400 पार करा चुकी है, राहुल को 40 और अखिलेश को 4 पर निपटा चुकी है, लेकिन विपक्ष अब भी खटाखट टकाटक में उलझा हुआ है।
आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1,00,000 रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, बड़े पैमाने पर पैसा गट कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में 1,00,000 रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। तो क्या खटाखट 4 जून को आंकड़ा 400 के पार पहुंचने वाला है, या फिर नई सरकार बनने वाली, या फिर 26 दलों की करारी हार और 38 दलों की छप्पर फाड़ लॉटरी लगने वाली? अब इसके लिए आपको सिर्फ 3 दिन का इंतजार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर कन्याकुमारी में पीएम मोदी की साधना पूरी हो गई। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ने 48 घंटे की साधना की। पीएम मोदी का आध्यात्म से कितना गहरा जुड़ाव है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन चुनाव प्रचार जैसे बेहद व्यस्त कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्म पथ पर पीएम मोदी जिस तरह से चलते हैं उससे लोग हैरान हो जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी ने मठ मंदिर दर्शन पूजन और जप तप करते हुए कैसे इस चुनाव अभियान को पूरा किया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चुनाव पथ के बाद पीएम मोदी का आध्यात्म पथ। साधना से संयम का पथ, प्राण प्रतिष्ठा से साधना, पीएम की सनातनी उपासना। जप से जग कल्याण, तप से तपस्वी, ध्यान से धर्मवीर, साधना से सन्यासी और उपवास से उपकारी। यही वो गुण है, यही वो कर्म है और यही वो कर्तव्य है जो नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता बनाते हैं। कहते हैं कामयाबी के शिखर को हासिल करने से ज्यादा अहम है उस कामयाबी के शिखर पर बने रहना, डटे रहना, ठहर जाना। पिछले 25 बरस से पीएम मोदी भी कामयाबी के सर्वोच्च शिखर पर ना सिर्फ आसीन हैं, बल्कि इस कदर ठहर चुके हैं कि उन्हें वहां से डिगा पाना किसी के बस की बात नहीं है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी जहां भी गए वहां की सनातनी विरासत के दर्शन जरूर किए। मठ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर आध्यात्मिक केंद्र हो, पीएम मोदी ने अपने हर दौरे पर पहले उन पवित्र स्थानों पर मत्था टेका, फिर दूसरा काम किया। इस वक्त पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में गहन साधना में लीन है। सिर्फ इसी महीने की बात करें तो पीएम मोदी ने 11 प्रमुख मंदिरों के दर्शन पूजन किए। 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के कानपुर में गुरुद्वारे में जाकर अरदास की। इसके अगले ही दिन 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पूजन दर्शन किए।
8 मई को पीएम ने तेलंगाना के करीम नगर में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किए। वहीं 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा की। इसके बाद 13 मई को ही प्रधानमंत्री ने पटना साहिब के तख्त श्री हरमिंदर जी में मत्था टेका और अरदास की। वहीं 14 मई को पीएम फिर से वाराणसी पहुंचे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया। 20 मई को प्रधानमंत्री ने ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा की। 21 मई को पीएम फिर से वाराणसी पहुंचे और संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी की पूजा की। अट्ठाईस मई को प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और विवेकानंद के घर के अंदर शिव मंदिर में पूजा की। 30 मई की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में शीश नवाया। 10 बरस में पीएम मोदी ने भारत की सनातनी विरासत को ना सिर्फ संजोया है, बल्कि अपने जप तप और आध्यात्मिक गतिविधियों से जन जन में आध्यात्मिक चेतना की अलख जगाई है। बेहद व्यस्त राजनीतिक जीवन जीते हुए और देश के पीएम पद की जिम्मेदारी संभालते हुए आध्यात्मिक साधना के लिए इतना वक्त निकाल पाना उतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से पीएम नरेंद्र मोदी वक्त निकाल लेते हैं।